पिछले 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र को किस तरह से खत्म करने की कोशिश की गई है, पिछले 10 वर्षों में ऑपरेशन लोटस चलाकर अलग-अलग सरकारों को कैसे गिराने की कोशिश की गई है, इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यह आपका अंतिम चुनाव है, इसके बाद आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और आपने देखा, कभी आपने नहीं सुना होगा, लोकसभा का चुनाव देश की सत्ताधारी पार्टी बगैर मतदान के जीत जाती है, बगैर वोट के जीत जाती है, बगैर चुनाव के जीत जाती है। सूरत में सारे कैंडिडेट्स का पर्चा खारिज कर दिया गया, न सिर्फ कांग्रेस का, बाकी सारे दलों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया, बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों का भी पर्चा खारिज कर दिया गया। 2024 के बाद यही देश में होने जा रहा है। खाली दिखावे के लिए एक संविधान होगा जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, जिसमें किसान के अधिकार की बात नहीं होगी, जिसमें महिलाओं के, युवाओं के रोजगार की बात नहीं होगी, उनके सुरक्षा की बात नहीं होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म किया जाएगा, आरक्षण को खत्म किया जाएगा, चुनाव को खत्म किया जाएगा। पिछले 10 साल का इतिहास मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं। उत्तराखंड में इन्होंने चुनाव नहीं कराया, सरकार कांग्रेस की तोड़ के गिरा दी, अपनी सरकार बना ली। अरुणाचल में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। महाराष्ट्र में ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा मरवा के, भय दिखा के चुनाव नहीं कराया, सरकार तोड़कर बना ली। गोवा में मात्र 13 सीट होने के बावजूद जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके विधायकों को तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में चुनाव नहीं कराया, जोड़ तोड़ करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। और एक फैसला जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया, एक फैसला माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने पूरे हिंदुस्तान को जगाया कि भारत का लोकतंत्र खत्म होने वाला है, वोट का अधिकार खत्म होने वाला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, अलग अलग राज्य सरकारों को पिछले 10 वर्षों में तोड़ तोड़ के गिराया गया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमने तो नारा दिया है ईडी, आईटी, सीबीआई। एक कोहराम मचा रखा है, डंडे के जोर से शासन को चलाना चाहते हैं, चुनाव को खत्म करना चाहते हैं, बगैर चुनाव के लोग जीतना चाहते हैं।